हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द सैम्स किचन में। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसमें जिस इंग्रेडिएंट का हम यूज कर रहे हैं वो है सेवई। अब सेवई से हम खीर नहीं बना रहे, हम बनाने जा रहे हैं उपमा। अब सेवई उपमा में क्या क्या लगता है और कैसे बनता है, चलिए आइए बताते हैं। हमने जिस चीज का यूज किया है उसके लिए हमने यूज किया है सेवई, इसे आप वर्मीसिली भी कहते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे यूज किया है प्याज जिसको हमने बारीक काट लिया है। दाने यूज किए हैं हमने जो मैंने पहले से भून के रखे हैं। उड़द दाल का यूज किया है क्योंकि ये थोड़ा साउथ इंडियन टेक्सचर और साउथ इंडियन डिश है, तो उड़द दाल और साथ ही साथ कड़ी पत्ते का यूज होता ही है। साथ में मैंने यहाँ यूज किया है हरी मिर्ची, और इसके अलावा जो हम चीजें यूज करने वाले हैं उसमें हम यूज करेंगे राई, हल्दी, मिर्ची, पानी और नमक का। तो चलिए आइए बनाते हैं सेवई। इसका स्टेप वन जो है, हमें वर्मीसिली को थोड़ी सी फ्राई करना है, थोड़ा हम उसको सेक लेंगे। तो हमने यहाँ पे तकरीबन हम लेंगे 1 से 2 चम्मच के आसपास ऑयल, और उसके अंदर हम इसको सेक लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे वर्मीसिली। एक चीज का हमें ज्यादा ख्याल रखना है कि हमें इसको ब्राउन नहीं होने देना है, हल्का पिंकिश में ही हम इसको उठा लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, आप इसका कलर चेंज हो गया है। हाँ, हमें डार्क ब्राउन नहीं चाहिए, तो हम इसको हल्के पिंक में ही हम इसको निकाल लेंगे। तो अब हम इसको निकाल रहे हैं एक प्लेट में। अभी सेम कढ़ाई में हम 2 चम्मच के आसपास और तेल लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हमने इसके अंदर डाल दिया है मस्टर्ड सीड्स जिसको आप राई कहते हैं। अब राई तड़कने लगी है, साथ ही साथ इसका आएगा उड़द दाल। हमें उड़द दाल यहाँ पे थोड़ी सी पिंकिश होने तक चाहिए, हम इसको यहाँ पे हल्का सा फ्राई होने देंगे। अब आप देख रहे हैं पिंकिश हो गई है। अब टाइम आ गया है दाने के जाने का, क्योंकि दाने हमने भूंजे हुए हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। दाने को भी थोड़ा सा कर लेंगे। अब टाइम आ गया है हरी मिर्ची का। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और साथ ही साथ क्योंकि ये साउथ इंडियन डिश है कड़ी पत्ते के साथ। हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज। अब हम ऐड करेंगे इसमें प्याज, हम इसको हल्का सा चलाएंगे और प्याज को सौते करेंगे। एक बार प्याज अगर पक गई उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी वर्मीसिली। एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जब हमें हल्की सी भूख सताए हम इसको तुरंत बना के खा सकते हैं। तो इसको बनाने और प्रिपेयर करने के लिए भी हार्डली 15 मिनट का जरूर समय लगता है। तो अगर आपको 15 मिनट्स के अंदर कुछ स्नैक्स खाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं जैसे कि प्याज हो चुका है, अब इसमें टाइम आ गया है हम डालेंगे वर्मीसिली जो हमने रोस्ट करके रखी हुई है। मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है, और इसको मैं यहाँ पे पका दे रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा चलाने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगा पानी को। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे हमने जितना कप सेवई लिया था हमें उससे 2 कप पानी मिलाना पड़ेगा, तो इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 कप पानी मिलाऊँगा। मैंने 1 कप डाल दिया है, और ये गर्म पानी है, मैंने उबलता हुआ पानी लिया है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसके ऊपर डाल दूंगा, ढक के रख दूंगा इसको, और इसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी टाइम पे मैं ऐड करूँगा नमक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है इसका। हालांकि मैं हल्दी और मिर्ची डालना भूल गया, आप इसे पहले ही डाल सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है आप बनाने में इतना खो जाते हो कि आप इंग्रेडिएंट डालना ही भूल जाते हो। अब टाइम आ गया है, इसके ऊपर रखूंगा मैं लिड, और इसको हल्की आंच पे होने दूंगा, और हमारा उपमा बनकर हो गया है रेडी। अब मैं इसकी प्लेटिंग पे जाऊंगा। तो गैस हुआ बंद और प्लेटिंग की तैयारी शुरू। तो मैंने इसको अपने कढ़ाई में उतार लिया है सर्विंग के लिए, और इसके ऊपर मैं डालूंगा हल्का सा धनिया। आप अगर चाहें तो इसके ऊपर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं।
टू मेक इट मोर डिलीशियस आपका बनकर सेवई उपमा रेडी है। तो बनकर तैयार हो गया है सेवई उपमा, एक ऐसी रेसिपी जो 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और आप ब्रेकफास्ट में कुछ अलग हटके खा सकते हैं। तो आप इसे खाएं और को खिलाएं, और अगर आपको पसंद आए तो याद है ना, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।